हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग पोल टीवी, जहां पर आपको मिलेगा फुटबॉल की सारी अपडेट। आज का पहला अपडेट उड़ीसा एफसी से है। तो उड़ीसा एफसी ने 26 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर जैकब टेट को साइन कर लिया है। जैकब टेट पर्थ ग्लोरी के लिए खेलते थे और उनका परफॉर्मेंस भी एवरेज था पर्थ ग्लोरी के लिए। जैकब टेट अपना करियर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही बिताया और उड़ीसा एफसी के डिफेंस को एक डेप्थ मिलेगा उनके आने पे। ट्रेट राइट बैक की पोजीशन में भी खेल सकते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पे उड़ीसा एफसी को बहुत हेल्प होगा। तो एक अच्छी साइनिंग है उड़ीसा एफसी के लिए। अपडेट है एरिडनी सेनिदिना के ऊपर। तो हैदराबाद एफसी ने एरिडनी को साइन कर लिया है और लास्ट सीजन उड़ीसा एफसी में लोन पे आए थे और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था एरिडनी ने। सिर्फ 14 मैचेस पे 9 गोल स्कोर किया था और इंजरी की वजह से सीजन पूरा नहीं खेल पाए। उड़ीसा एफसी रिटेन कर सकते थे एरिडनी को, मगर मैनुअल ओनू को रिटेन कर लिया है और कुछ नए फॉरवर्ड को भी साइनिंग कर लिया है उड़ीसा एफसी ने। इसके चलते शायद रिटेन नहीं किया है एरिडनी को, मगर हैदराबाद एफसी के लिए एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है। मगर उनका फॉर्म कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इंजरी से कम बैक कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई होगी एरिडनी सेनिदिना से। अगला अपडेट है केरला ब्लास्टर्स के गोलकीपर टीपी रहनेस से। तो र्यूमर्स आ रहा है कि जमशेदपुर एफसी इंटरेस्टेड है टीपी रहनेस को साइन करने में, और अगर साइन करते हैं तो उनका फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हो सकते हैं टीपी रहनेस। तो सुब्रत पॉल के जाने के बाद जमशेदपुर एफसी एक अच्छे गोलकीपर को साइन करना चाहते हैं, जिनको अपना फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बना सके। लास्ट सीजन टीपी रहनेस का परफॉर्मेंस एवरेज था केरला ब्लास्टर्स के लिए। तो टीपी रहनेस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जमशेदपुर एफसी के लिए, जो सुब्रत पॉल को रिप्लेस कर सके। अगला अपडेट है टीरी से। तो एटीके मोहन बगान ने टीरी को साइन कर लिया है और ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। इससे पहले एटीके के लिए 2016 में खेल चुके हैं टीरी और चैम्पियंस भी बने थे, तो अपने घर वापसी कह सकते हैं टीरी के लिए। हालांकि केरला ब्लास्टर्स के साथ भी टीरी का ऑलमोस्ट साइनिंग कन्फर्म हो चुका था, मगर केरला ब्लास्टर्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो साइनिंग नहीं हो पाए और एटीके मोहन बगान ने एक बेहतरीन डिफेंडर को साइन कर लिया है। अगला अपडेट उड़ीसा एफसी से ही है। तो एक और डिफेंडर को साइन कर लिया है उड़ीसा एफसी ने, जो कि है इंग्लैंड के स्टीवन टेलर। तो एक बहुत ही बड़ी साइनिंग है उड़ीसा एफसी के लिए, और स्टीवन टेलर प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए 215 अपीयरेंस कर चुके हैं और 34 ईयर्स के ही हैं, और इंग्लैंड अंडर 16, अंडर 17, अंडर 20 और अंडर 21 में भी खेल चुके हैं। तो उड़ीसा एफसी को जो डिफेंस में एक लीडर की ज़रूरत थी वो उनको मिल चुका है। लास्ट सीजन उड़ीसा एफसी का डिफेंस थोड़ा वीक था, मगर अब स्टीवन टेलर और जैकब टेट को साइन करने के बाद लीग का बेस्ट डिफेंसिव ड्यूओ लग रहे हैं। तो नेक्स्ट सीजन हम लोगों को उड़ीसा एफसी का बेस्ट डिफेंसिव यूनिट देखने को मिलेगा, और शायद आईएसएल में एक बेहतरीन डिफेंसिव यूनिट हो सकते हैं उड़ीसा एफसी नेक्स्ट सीजन में। और गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से। तो नॉर्थ ईस्ट इंटरेस्टेड है पोर्टुगीज विंगर लुइस मसादो के ऊपर। मसादो का एज 27 ईयर्स है और उन्होंने अपना करियर ज़्यादातर पोर्टुगल में ही खेला। मसादो का लास्ट क्लब मोरे रेंजे फुटबॉल क्लब था, जहां पर उन्होंने 21 अपीयरेंस में एक गोल स्कोर किया था। तो मसादो का परफॉर्मेंस एवरेज ही था अपने लास्ट क्लब के लिए, और र्यूमर्स आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट ने ऑलमोस्ट साइन कर लिया है मसादो को। और अगर ये र्यूमर्स कन्फर्म होता है तो एक डिसेंट साइनिंग कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है हैदराबाद एफसी से। तो हैदराबाद एफसी ने स्पेन के डिफेंडर ओडे ओना इंडिया को साइन कर लिया है। ओना इंडिया ने अपना यूथ करियर ललिका के क्लब एथलेटिको बिलबाओ में बिताया था, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बड़े लेवल पे खेलने का, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही काम आएगा हैदराबाद एफसी में। ओना इंडिया का लास्ट क्लब मिरांडेस था, जो कि एक सेगुंडा डिवीजन यानी स्पेन के सेकेंड डिवीजन का क्लब है। वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और 30 ईयर्स के ही है, तो अच्छा साइनिंग हो सकते हैं। आज का फाइनल अपडेट है चेन्नई एफसी से। तो चेन्नई एफसी ने दो नए इंडियन डिफेंडर को साइन कर लिया है। तो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के रेगन सिंह और दूसरे है सुंतिया फनाई। रेगन सिंह को एक अच्छी साइनिंग कह सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेले हैं और एज ए फर्स्ट चॉइस राइट बैक थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। और चेन्नई एफसी के लिए वो रोल प्ले कर सकते हैं जो रोल रेगन सिंह ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में प्ले किया था, और फनाई एज ए सब्स्टिट्यूट ही ज़्यादा हमको देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।